कांग्रेस ने कसौली से जन जागरण अभियान की शुरुआत की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। वही कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ठाकुर दास शर्मा ने की। ये अभियान खिल के मोड़ से आरंभ हुआ और धर्मपुर तक चला। 8 किलोमीटर तक कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता और पदाधिकारी भाजपा सरकार के खिलाफ नारे लगाते रहे। कुलदीप सिंह राठौर ने इस मौके पर कहा कि भाजपा ने जो देश की जनता को महंगाई से राहत देने का वायदा किया था, वे वायदा आज भाजपा को याद दिलाया जा रहा है और लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है कि भाजपा केवल धोखा देना जानती है, उन्हें देश की जनता से कोई लेना देना नहीं है। इस मौके पर कसौली ब्लॉक अध्यक्ष ठाकुर दास शर्मा, नगर परिषद परमाणु की अध्यक्ष निशा शर्मा ने कहा कि सारा हिमाचल महंगाई की मार झेल रहा है और भाजपा की नीतियों से पूरी तरह तंग आ चुका है। यही वजह है कि प्रदेश की जनता ने उपचुनावों में अपनी नाराजगी जाहिर की है। ये भाजपा के लिए उनके द्वारा दी गई केवल एक चेतावनी थी, वास्तविकता परिणाम 2022 में उन्हें देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि आज महिलाएं पूरी तरह से तंग हैं और युवा बेरोजगार हो चुके हैं। सरकारी कर्मचारी मांगे ना पूरी होने की वजह से सरकार के विरुद्ध खड़ा है। यही वजह है कि आज उनके द्वारा क्षेत्र में जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है ताकि सभी को भाजपा की हकीकत से रूबरू करवाया जा सके। आज हमने जन जागरण अभियान शुरू किया है महंगाई के खिलाफ। जैसे आपको मालूम ही है कि बेरोजगारी सबसे पहला मुद्दा, और महिलाओं के लिए जो हमें गैस सिलेंडर, राशन, पानी, हमें मतलब कि आम जनता को गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है, और आम जनता जो है महंगाई की मार से त्रस्त है। बेरोजगारी से जनता बहुत त्रस्त है, आम युवा जो है बहुत तंग है, और आम गृहिणी के लिए चूल्हा चौका करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। तो इसी कांग्रेस ने ये जन अभियान जो है शुरू किया है, ये रैली निकाली है। ठाकुर दास शर्मा, अध्यक्ष कसौली ब्लॉक कांग्रेस कमेटी। ये जन जागरण अभियान हमारे AICC की तरफ से शुरू किया गया है, जो पूरे हिमाचल में हमारे माननीय अध्यक्ष कुलदीप राठौर जी हैं, वो हर जगह इसको ज्वाइन कर रहे हैं। तो उसमें गैस सिलेंडर, जितनी महंगाई, खाद्य पदार्थ हैं, बेरोजगारी है, और इन चीज़ों को लेके जो है वो जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता ने पहले ही हमें 4 सीटें दे के हमें काफ़ी हमारा उत्साह बढ़ाया है, तो हम चाहते हैं कि भी इस चीज़ को और तरीके से लोगों तक जाए ताकि सरकार, जो सोई हुई सरकार है, वो जागे और हमारी जो है जनता को जो तकलीफ़ें हो रही हैं, बच्चे सड़कों पर घूम रहे हैं, बेरोजगारी है, इन चीज़ों को कंट्रोल किया जा सके। और आने वाले जो इलेक्शन है, एक किस्म से हमारी उसमें ये तैयारी चल रही है और हम पूरी ताकत से इसके पीछे लगे हुए हैं। और लोगों का उत्साह है, आप यहाँ देख ही लेंगे कितने लोग दिल से आए। हमारी सरकार रही, राजा वीरभद्र सिंह जी ने जितने काम किए हैं सारी जनता को पता, और ये जो 4 सीटें हैं इन पे राजा साहब का बहुत बहुत ज़्यादा, जो उन्होंने काम किए थे वो सब सामने आए हैं। महंगाई मुद्दा रहा सबसे ज़्यादा, और काम भी जो हमारी सरकार के टाइम में काम हुए थे वो उनका, लोगों ने हमें इसका सिला दिया है। और सरकार के होते हुए हम 4 सीटें जीते हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं। इसमें हमारे माननीय अध्यक्ष और हमारे प्रभारी थे शुक्ला जी और संजय दत्त जी, और यहाँ जितने भी लोकल लीडर थे, छोटे से छोटा वर्कर उससे लेके ऊपर तक, सब ने दिल से काम किया है, जिसके रिजल्ट हमारे सामने आए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि वे कसौली ब्लॉक में जन जागरण अभियान के तहत पहुंचे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्रवासियों को जागरूक करना है, उन्हें भाजपा की वास्तविकता से अवगत करवाना है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने देश की जनता को कहा था कि वे महंगाई से लोगों को निजात दिलवाएगी, लेकिन महंगाई कम करने के बजाय उन्होंने महंगाई की सारी हदों को पार करवा दिया है। देखिए, पिछले 14 तारीख से हम पूरे प्रदेश में जन जागरण अभियान हम चला रहे हैं, जो केंद्र की मौजूदा सरकार है और हिमाचल की जो मौजूदा सरकार है उनकी जो जनविरोधी नीतियाँ हैं, इन नीतियों को हम जनता के बीच में ले जा रहे हैं, इनका पर्दाफाश कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से इस समय महंगाई लगातार बढ़ रही है, आम लोगों का जीना जो है मुश्किल हो गया है, कानून व्यवस्था के हालत ठीक नहीं है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, और हमारी जो अर्थ की है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो निरंतर जो है गिरती जा रही है, और किसान एक वर्ष से ज़्यादा समय हो गया सड़कों पे, कोई सुनवाई हो नहीं रही। ये जो दिल्ली में सरकार बैठी है,
हिमाचल की सरकार है, ये पूंजीपतियों की सरकार है। समाज का जो छोटा वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, उनका ख्याल नहीं रखा जा रहा है। इसलिए हमने निर्णय लिया है अखिल भारतीय स्तर पे कि हम 14 तारीख से लेकर 29 तारीख तक जो हर चुनाव क्षेत्र में हमारे जो पार्टी के विधायक हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, वो पदयात्रा के जरिए लोगों को जो है जनविरोधी नीतियों के खिलाफ जो है लोगों में जनमत तैयार करेंगे। मैंने स्वयं निर्णय लिया है कि जिन ज़िलों में कांग्रेस पार्टी पिछले कुछ समय से जीत नहीं रही, वहाँ मैं खुद जा रहा हूँ। अब पिछले कल मैं पौंटा साहब था, लगभग 16 किलोमीटर की मैंने स्वयं जो है पदयात्रा की। आज हम कसौली आए और आज यहाँ पदयात्रा कर रहे हैं। हम लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, उन्हें जागरूक करेंगे और जो इस सरकार की नीतियाँ हैं, उन नीतियों का जो है हम पर्दाफाश जो है जनता में करेंगे। और अगर ये मुद्दे नहीं होते तो क्या भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पे चुनाव हारती? अब तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि नहीं, महंगाई भी है। अब तो मुख्यमंत्री ये भी कह रहे हैं कि सड़कों में गड्ढे भी हैं, क्योंकि पहले उनको नज़र नहीं आए, क्योंकि वो हवाओं में घूम रहे थे। और इन चुनावों ने भारतीय जनता पार्टी की नींद हराम कर दी है। मैं चुनाव के समय भी कहता था कि ये जो डबल इंजन की ट्रेन है, ये लोगों को रौंदते हुए जा रही है, इसमें ब्रेक लगाने की ज़रूरत है। लोगों ने ब्रेक लगाई है। आपने देखा होगा कि इन 4 उपचुनावों का पूरे देश पे असर हुआ और 2 दिन बाद जो है डीजल और पेट्रोल के जो दाम है वो एकदम गिरा दिए गए। इन चुनावों का असर है। तो ये मुद्दों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, करते रहेंगे। और अगर ठीक है, अगर इन्हें अभी भी महंगाई नज़र नहीं आ रही तो कुछ नहीं हो सकता। अगर बिल्ली को देख के कबूतर अपनी आंखें बंद कर देता है तो हम कबूतर का कुछ नहीं कर सकते।